देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब होता है आपका, आपको एरिया फाइंड करना होता है एरिया, ठीक है? तो डेफिनेशन लिख लो फटाफट से। डेफिनेशन में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी स्मॉल ऑफ एफ एक्स डी एक्स, तुम उसको कैसे फाइंड करेंगे? कैपिटल एक्सपीएस का इंटीग्रेशन अंदर लिमिट कैसे लगाएंगे, या पर लोअर लिमिट होता है इसको अपर लिमिट बोलते हैं ए टू बी, ठीक है? इसका आंसर क्या आएगा आपका, कैपिटल अपर लिमिट माइनस ये पहले एक बार पुट करेंगे फिर एक बार ये करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज कॉल्ड, इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रल, is called definite integral of, definite integral of f between, between, between the limits a and b, between the limits a and b, where, where where dy by dx of capital F x of the tau is small f x, where yes sir, देखो नोट बना के लिखिए फटाफट से। F x is, fx is bounded and continuous, fx is bounded and continuous in, fx is continuous and bounded in closed a to b, in closed a to b, ठीक है? मैं डायग्राम बना रहा हूं, ऐसा कुछ समथिंग समथिंग है, समथिंग ये आपका ए है, ये मान लिया आपका एक्स कुछ टू ए है, ये आपका एक्स कुछ टू बी है, यहाँ पे भी एक स्ट्रिप रखा हुआ है, यहाँ पे बड़े क्या है, ये किसी फंक्शन का ग्राफ है, यहाँ पे आपको एक स्ट्रिप रखा हुआ है, डिवाइडिंग इनटू, जैसे अगर मैं यहाँ पे छोटे छोटे एम बना दूं, जैसे एम ये हो गया, ये हो गया, बहुत सारे हैं ना एन स्ट्रिप, ऐसे कितने बना लो, इसका तो हमें एरिया फाइंड करना है ऐसे बी के बीच में, लेकिन डिवाइडिंग दिस पार्ट, डिवाइडिंग दिस पार्ट इनटू एन वर्टिकल स्ट्रिप्स, डिवाइडिंग दिस पार्ट इनटू एन वर्टिकल स्ट्रिप्स, ईच ऑफ विड्थ इज एच, सबका विड्थ क्या है, एच है, सबका विड्थ क्या है, जितने भी हैं सब ये पार्ट है, सबका जो विड्थ है h है, ठीक है? जितने भी यहाँ पर बनाए हैं सबका विड्थ है h है, वर्टिकल स्ट्रिप्स ईच ऑफ विड्थ इज, ईच ऑफ विड्थ इज, ईच ऑफ विड्थ इज h, तो एक्चुअल में क्या हुआ, अगर मैं बात करूं कि b माइनस a, ये जो लेंथ है, जो b माइनस a आपका लेंथ है, अगर मैं b में से a को सबट्रैक्ट करूं तो यहां से आता है केवल लेंथ मिल जाएगा, h प्लस h प्लस h, h प्लस h प्लस h कितने टाइम्स है आपका, n टाइम्स, कितने टाइम्स है आपका,
n टाइम्स है और b माइनस से आपके क्या है n इनटू h ऐसा ठीक है। b माइनस से आपके किसके इक्वल है भाई आपका जो n टाइम्स ऐड हो रहा है ना n टाइम्स ऐड हो रहा है सीरीज से n को मल्टीप्लाई करके n ठीक है। ये वाली बात समझ में आ रहा है। अगर n है आपका यहां पे ये फाइनाइट नंबर है यार एक फाइनाइट नंबर b माइनस से लेंथ एक फाइनाइट नंबर हो मैं बोल सकता हूं गाइस n टेंड्स टू इनफिनिटी अगर n को हम इनफिनिटी टेंड कराते हैं h आपका जो है 0 को टेंड कर जाएगा n अगर इनफिनिटी टेंड कराएंगे मतलब h को टेंड कर जाएगा 0 को टेंड नेक्स्ट लिखो एरिया कैन बी कैलकुलेटेड बाय नेक्स्ट नीचे लिखिए आप एरिया कैन बी कैलकुलेटेड बाय टू मेथड्स एरिया कैन बी कैलकुलेटेड बाय टू मेथड्स एरिया कैन बी कैलकुलेटेड बाय टू मेथड्स दो मेथड्स से अंदर एरिया कैलकुलेट कर सकते बात कर दूं देखिए ग्राफ बनाते हैं जैसे ये आपका पार्ट है ये काम करो सीधा ले लो आप इसको काम करो उसको ऐसे ले लो ज्यादा सही रहेगा आपके ए हो गए आपके बी हो गए ठीक है। यहाँ पर आपने स्ट्रिप लिया हुआ इसके विड्थ क्या है एच है। अब हम क्या कर रहे हैं एन पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं स्टूडेंट एन पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं लेकिन इक्वल है ना इक्वल इक्वल लेंथ है इस तरीके से बना रहे हैं। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट आप ऐसे तो बन रहा है नेक्स्ट ऐसे नेक्स्ट ऐसे नेक्स्ट ऐसे तो देखो ये जो पार्ट रह रहा है ये वाला पार्ट जो कि यहाँ पे खाली छूट रहा है हर जगह खाली छूट रहा है तुम्हारे इस तरीके का कर्मचर आ रहा है सब ठीक है। मान ली एम बन रहे ऐसे एम बन रहे और यहाँ पे हर जगह आपका थोड़ा थोड़ा इक्वल पार्ट पर को बनेगी छोड़ने पड़ेगा आपको ठीक है। और इन सब का विड्थ क्या है एच है भाई इन सब का क्या है विड्थ एच है। तो स्टार्ट कहां से हो रहा है आप कैसे लिख सकते हो यूनिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी एच इनटू एफ ऑफ ए है प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस टू एच से लेके आपका एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच ऐसा ठीक है। तो एफ ऑफ ए देखिए आप ये एक्चुअल में लिखा क्या हुआ है ये अगर पॉइंट आपका यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ये पॉइंट आपके क्या हुआ एफ ऑफ ए हुआ ठीक है। तो एच एच इंटू एफ ऑफ ए लेंथ इंटू ब्रेथ ये रेक्टेंगल ये एच का मल्टीप्लाई एफ ऑफ ए के साथ बनेगा रेक्टेंगल बनेगा रेक्टेंगल एरिया है एफ ऑफ ए प्लस एच इनटू एस ए से आगे ए के से आगे जो स्ट्रिप है वो क्या होगा ये पॉइंट मान लेगा आपका ए प्लस एच है तो यहाँ इस हाइट पे ये क्या होगा एफ ऑफ ए प्लस एच होगा तो एच एच इनटू एफ ऑफ ए प्लस एच ये भी क्या रेक्टेंगल ये भी रेक्टेंगल जीरो से स्टार्ट किया है जीरो वन से लेके कहां तक एन माइनस वन तक तो आपके एन स्ट्रिप बट यानी कितने एन रेक्टेंगल बन गया आपके क्या बन गए एन रेक्टेंगल हमने इसको रेक्टेंगल में ब्रेक करके एन रेक्टेंगल बन गए एन रेक्टेंगल के एरिया वैल्यू निकालो और उनको ऐड करके एच इनटू एफ ऑफ ए पहले का एच इनटू एफ ऑफ ए प्लस एस दूसरा रेक्टेंगल एच इनटू एफ ऑफ ए प्लस टू एस तीसरा रेक्टेंगल और लास्ट में जाकर एच इनटू एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इनटू एच का एंथ नंबर का रेक्टेंगल समझ में आ रहा है। इस तरीके से हम जो है एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं समझ में आ रहा है ठीक है। नेक्स्ट
एक और मेथड ऐसे ही है बिल्कुल, उसमें आपको कुछ नहीं करना। जैसे तो मान लिया आपका स्टूडेंट बाहर जा रहा है, इस तरीके से आपको स्टॉक हर बार बाहर जा रहा है, ठीक है। पहले तो आपका ये बार बाहर वाला एरिया कम पड़ रहा था, अभी देखो ये, अब ये छूटेगा आपका स्टॉक इस तरीके से आ रहा है, थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है आपके लिए। एन ए है या आपका ए है या आपका बी है लिखी हो, ये आपका एच ही है इस तरीके से, एन लिखी हो आपका एन एन पार्ट में, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, लेवल टाइम टेंस टू इंफिनिटी एच इनटू। अब यहाँ पे क्या है, ये एच है और ये जो पॉइंट है, अगर मान लो इसको ये मान लो ये आपको पूरा का पूरा अगर ये यहाँ पे स्टार्ट करा ए प्लस एच से ऐसे, ठीक है, तो ए प्लस एच क्यों ज्यादा है ना, ए से थोड़ा सा ज्यादा, इसलिए ए प्लस एच ही वाला पॉइंट। तो आपका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, एफ ऑफ ए प्लस एच, हम बड़ा कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, एफ ऑफ ए प्लस एच से स्टार्ट करेंगे और एफ ऑफ ए प्लस एन एच कहां तक, f of a plus n into s, क्योंकि यहाँ पे क्या देखिए हमने जीरो से स्टार्ट किया है, a plus zero into h, a plus h, तो यहाँ पे n minus one तक गए हैं। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो h का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे क्या one, h का मल्टीप्लिकेशन तो one से स्टार्ट कर रहे हो n तक जा रहा है, ठीक। ये भी अपने आप एक रेक्टेंगल ही बने होगा, जैसे यहाँ पे बने होते h into a, एक रेक्टेंगल h into a, next दूसरा दूसरा दूसरा, ठीक है। इस तरीके से हम दो एरिया कैलकुलेट करते हैं और इसको हम बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल, है ना। और डेफिनेट इंटीग्रेशन का मीनिंग ही बेटा क्या होता है, एरिया कैलकुलेट करना। आप अल्टीमेटली उस पोर्शन का एरिया कैलकुलेट कर रहे हो जिसमें लेवल लगा के आपको इंटीग्रेशन पूछा होगा। अब देखिए नेक्स्ट, देखें नेक्स्ट देखिए, लेकिन फाइंड द वैल्यू ऑफ जीरो टू वन इंटीग्रेशन e raise to power x dx by first principle जो भी तुम्हें बताया वही फर्स्ट प्रिंसिपल करो फटाफट शांत तेरे वीडियो क्यों नहीं बीच में भाई, बहुत बहुत बार बार बोलना पड़ेगा तेरे को। देखिए अगर मैं इसको कंपेयर करूं इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स से, यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है, जीरो है, बी का वैल्यू क्या है, वन है, और एफ एक्स क्या है, ई रेज़ टू पावर एक्स, ठीक है सर। आगे हम वही आपका फंडा लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी, आप ऐसे लिख दो x टेंड्स टू जीरो, x को आप जीरो टेंड कर रहे हो बात तो ये, और वही आपका f ऑफ h इनटू f ऑफ a, f ऑफ a यानी कि भाई f ऑफ a का मतलब क्या है, एक जीरो है आपका f ऑफ जीरो, f ऑफ जीरो प्लस f ऑफ जीरो प्लस h प्लस f ऑफ जीरो प्लस 2h से लेके आपका f ऑफ
जीरो प्लस एन माइनस वन इंटू एच, ठीक है ऐसे, ठीक है पहले पुट करते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच एफ ऑफ जीरो का मतलब क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एक्स इंटू ऑफ जीरो तो ये है कि लिख दिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, एफ ऑफ जीरो का क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, ए प्लस एच मैं का वैल्यू मैंने डाल दी, ठीक है तो एफ ऑफ जीरो तुम्हारा वन आ जाएगा, वन प्लस ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर टू एच लेके आपका ई रेज टू पावर एन माइनस वन इंटू एच ऐसा। ये आपके क्या है, ये आपके जीपी है, ठीक है तो जीपी आप कैसे लिखोगे, एच इंटू वन वन माइनस वन माइनस इन्फिनिटी को टेंड करा था सीधा, बात तो एक ही पड़ेगी कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो आपका फर्क देखते हैं वन माइनस ए रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाय वन माइनस आर, तो देखिए भाई ए इंटू आपके तो वन ही है तो ए रेज टू पावर एन एच हो जाएगा तुम्हारा डिवाइडेड बाय वन माइनस आर, वन माइनस आर यानी कि ए रेज टू पावर एच एस, ठीक है ऐसा बन जाएगा तुम्हारा। अच्छा यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू जीरो लगा दो, अब इरेस्ट पावर थीटा, इरेस्ट पावर थीटा माइनस वन डिवाइडेड बाई थीटा आपका वन होता तो ये माइनस वन हो जाएगा, क्यों क्योंकि एच अपॉन करके डिनोमिनेटर में भी आपका, और आपका जो एन एच है अब यहाँ पे इसका ये आपको क्या अवेलेबल हो गया, इरेस्ट टू माइनस वन अंदर लेगा इरेस्ट टू पावर एन एच माइनस वन ऐसा, लेकिन एन एच का वैल्यू तो एन एच का वैल्यू तो बी माइनस ए के इक्वल होता है, बी का वैल्यू क्या वन है तो एन एच का वैल्यू क्या होगा वन होगा, ए माइनस वन होगा, यही आपका क्या आंसर है, ठीक है ये तुम्हारा फर्स्ट प्रिंसिपल से आ गया। सेकंड प्रिंसिपल से इसका कुछ है नहीं, डायरेक्ट मेथड है वो बताते हैं आपको मेथड, डायरेक्ट मेथड क्या है, ठीक है कि आपका डायरेक्ट मेथड है क्या, हमने क्या किया इसको इंटीग्रेट किया ई रेज़ टू पावर एक्स को इंटीग्रेट कर दी जीरो टू वन, अपर लिमिट ई रेज़ टू पावर वन माइनस ई रेज़ टू पावर जीरो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है इस तरीके से डायरेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू टू एक्स डी एक्स बाई फर्स्ट प्रिंसिपल बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल से करो भाई, ए का वैल्यू जीरो है, बी का वैल्यू टू है और एफ एक्स का वैल्यू तुम्हारा क्या है एक्स है, ठीक है निकालो एन एक्स का वैल्यू निकालने के लिए निकालो एन एक्स का वैल्यू बी माइनस सी, तो बी माइनस जीरो एन एक्स का वैल्यू क्या है टू है, सब निकाल के देखिए वही फॉर्मूला लगाना है आपको, हो जाएगा सन ऐसे करते हैं ट्राई करो। वही आपका बंडल लिमिट
h tends to 0, f of a plus f of a plus h लेके आपका f of a plus n minus 1 into h है। चलो एक दो h into f of a आपका क्या है, f of 0, तो f of 0 तो क्या है, 0 जाएगा, f of a plus h क्या बन जाएगा, जहां जाए x वहां पर 0 plus h को मतलब क्या है, 0 plus h h plus 2h plus 3h से लेके आपका n minus 1 into h ऐसा, ठीक है। ये आपका क्या बन जाएगा भाई, यहां से आपका h तो बाहर ही निकाल लो आप, एक h को ap बन जाएगा, क्या ap, ap बन जाएगा। तो लिखो फटाफट से क्या होगा, h इनटू ये h भी बाहर आ जाएगा, तुम्हारा बन जाएगा 1 plus 2 plus 3 से लेके n minus 2 h स्क्वायर, और क्या होने का तुम्हारा n इनटू n minus 1 divided by 2 ऐसा, ठीक है। तो एक जो nh है तुम्हारा, एक जो एन एच है वो तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, 2 हो जाएगा, एन एच तुम्हारा 2, तो एक एन और एक एच तुम्हारा क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तुम्हारा क्या बचेगा, एन एच माइनस एच ऐसा, ठीक है। तो एन एच तो तुम्हारा क्या है, 2 है, तो 2 माइनस एच, अब इस पर लिमिट अप्लाई करो 0, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। डायरेक्ट देख लेते हैं एक बार, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2 f dx सीधे सीधे हो जाएगा आपका x स्क्वायर बाय 2, लिमिट लगानी है 0 टू 2, ये बनेगा आपका 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस, तो 0 के केस में क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, उसे तो कैंसिल आउट हो जाएगा आंसर क्या आएगा। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से थोड़ा टाइम लग जाता है, डायरेक्ट मेथड से जो आप सीधा सीधा कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, समझ में आ रहा है सर? तो फिर ये मेथड यूज करने का क्या मतलब है, ये मेथड यूज करने का क्या मतलब, ये पता तो होना चाहिए ना कि फर्स्ट प्रिंसिपल है क्या, पता तो होना चाहिए ना, ऐसा थोड़ी ना पता नहीं होना चाहिए, पता तो नहीं फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है। जैसे वहां पे डेरिवेटिव निकालते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0, then the equation f x is equal to 0, then the equation f x is equal to 0 has at least one root in open interval a to b, open interval a to b provided function is continuous in open interval a to b, provided function is continuous in open interval a to b, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अभी समझाएंगे इसको। एरिया ब्लो एक्स एक्सिस, एरिया ब्लो एक्स एक्सिस इज नेगेटिव,
एरिया एक्सिस, एरिया ब्लू एक्स एक्सिस इज नेगेटिव, जैसे मान लो ऐसा है, ठीक है, ये आपका जीरो है, ये आपका पाई है, ये आपका टू पाई, ये वाला एरिया फाइंड कर लेते हैं एक बार ये वाला एरिया फाइंड कर, ठीक है। तो पहले आपका पोर्शन तो यही यहाँ से आता है ना, यहाँ से आते की अपर पोर्शन आता है, ये अपर पोर्शन है, ये बेटा तुम्हारा लोअर पोर्शन है, ये वो ग्राफ है जो एक्स एक्सिस के नीचे है। अगर मैं तुमसे कहूँ ए टू बी यहाँ से आते मुझे ये फाइंड करना है, जीरो टू पाई, ग्राफ आपका साइन एक्स का है, साइन एक्स डी एक्स है सर। और साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपको माइनस कॉस एक्स होता है, तो माइनस और कॉस एक्स, और लिमिट आपको जीरो टू पाई, ठीक है। जीरो टू पाई लगाएंगे क्या बनेगा, माइनस ऑफ कॉस पाई और माइनस माइनस प्लस आपका कॉस जीरो है सर, तो माइनस ऑफ माइनस वन प्लस वन तो क्या बन जाएगा टू, समझ में आया। ये तो आपका हो गया पॉजिटिव, ऊपर वाला पोर्शन पॉजिटिव। अब हम बात करते हैं यही पे, अगर हम निकालना चाहे इंटीग्रेशन ऑफ पाई टू टू पाई साइन एक्स डी एक्स क्या बनेगा आपका, वही आपको माइनस ऑफ कॉस एक्स और आपका पाई टू टू पाई, तो क्या लगाओगे माइनस ऑफ कॉस टू पाई है ना, और आपका माइनस ऑफ माइनस कॉस ऑफ पाई, ये माइनस ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो कॉस ऑफ टू पाई आपका क्या होगा, तो माइनस वन और माइनस वन बेटा क्या जाएगा माइनस, तो ये एरिया क्या होता है तुम्हारा नेगेटिव, और ऊपर वाला तुम्हारा क्या होता है पॉजिटिव। ये वाली बात समझ में आ रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि अगर ये प्लस टू है और ये क्या है माइनस टू है, तो अगर मैं जीरो टू टू पाई में अगर मैं बोलूं आपसे कि जीरो टू टू पाई में साइन एक्स डी एक्स बताओ भाई, तो क्या है आपका जीरो आया, क्या है जीरो आया एरिया, दिस ए और इस पोजीशन में बोल दे बी, ए का टू और बी का माइनस टू तो क्या है जीरो आया, इसका मतलब क्या है ग्राफ में कहीं ना कहीं एक बार तो एक्स एक्सिस को कट किया हुआ, रूट कब मिलता है ना जब किसी फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करे, तो उसने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो कट किया, एक बार तो आएगा ही आएगा बेटा, ठीक है। ए टू बी यानी जीरो टू टू पाई में, जीरो टू टू पाई में फंक्शन का ग्राफ एक बार एक्स एक्सिस को कट करके गया, इसका मतलब कि एक रूट तो एटलीस्ट होगा ही होगा, कई सारे ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं रूट, लेकिन एक तो होगा ही होगा, ठीक है, एक तो होगा ही होगा, और बना देते हैं एक ग्राफ, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं एक से ज्यादा नहीं हो सकता, जैसे मान लो किसी ने कोई ग्राफ बना दिया ऐसे बोला कि मतलब ऐसे, इसका मतलब क्या है ये एरिया पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो आप कितने रूट हो गए भाई, एक दो तीन, तो कितने रूट हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे, तो इस तरीके से चार हो गए। अरे वो मैं एक वैसे बता रहा हूँ, जैसे वैसे समझ जाते हैं कि एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर पॉजिटिव है और ग्राफ का एरिया नेगेटिव हुआ है, ठीक है, या नेगेटिव है फिर एरिया बट आपको पॉजिटिव हुआ है, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं फंक्शन के ग्राफ ने एक्सिस को कट किया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी, लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एन एक्स डी एक्स इक्वल होगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी एफ ऑफ एन एक्स डी एक्स, कहने का मतलब क्या है, पहले आप इंटीग्रेट कर लो उसके बाद लिमिट लगा दो, या आप पहले लिमिट को अंदर ले जाओ उसके बाद इंटीग्रेट कर लो, कोई फर्क नहीं है, ठीक है, लेकिन ये प्रॉपर्टी याद रहनी चाहिए। जैसे मैं एक क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, यही पे एक एग्जांपल ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन माइनस वन टू वन
1 plus p by n divided by n into dt. देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, हमेशा जो ये जो लिमिट होता है ना, हमेशा जो लिमिट होता है, एक बात याद रखना, जो डी के साथ चिपका होता है ना, उसका लिमिट होता है ये, वो वेरी करता है। डी के साथ कौन चिपका है यहाँ पर, टी, तो टी जो है -1 to 1 वेरी कर रहा है। टी अगर आपको -1 to 1 वेरी कर रहा है तो फाइनाइट है, कुछ भी है, ठीक है, -1 to 1 वेरी कर रहा है, फाइनाइट है। इसको मतलब क्या है, इसको अंदर ले गया इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1, लिमिट अंदर ले गया, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस t बाय n रेस्ट टू पावर n इनटू dt है। लिमिट अगर मैं लगाऊं तो n इंफिनिटी टेंड करे तो 1 प्लस, देखिए आपका फाइनाइट है, फाइनाइट डिवाइडेड बाय इंफिनिटी का मतलब 0, और इसका मतलब क्या, 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 1 रेस्ट टू पावर इंफिनिटी, यानी कि ये 1 रेस्ट टू पावर इंफिनिटी का वर्किंग रूल, 1 रेस्ट टू पावर इंफिनिटी का वर्किंग रूल क्या होता है, इंटीग्रेशन -1 to 1, यानी कि आपका पावर जो आगे आ जाता है, और एक ही पावर में जो है आपका, एक ही पावर में आपका, इसमें बेस में सम क्या कर देते हैं, 1 माइनस कर देते हैं, बन जाएगा टी वही है ऐसा इनटू डी टी, एन से आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 to 1 ई टू पावर टी डी टी ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ई की पावर टी का तो आपको क्या होगा, वही होगा ई की पावर टी -1 to 1, लिखो आप ठीक है, अपर लिमिट -1/E, ठीक है, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी होगा लिमिट में भी आपका वही जो आपने लिमिट पढ़ा हुआ वही काम आएगा, है ना। और यहाँ पे बेटा किसका वर्किंग रूल काम किया है, 1 रेस्ट टू पावर इनफिनिटी का। तो कई बार अगर तुम्हें लग रहा है कि लिमिट अंदर ले जाके क्वेश्चन जल्दी बनेगा, तो आप लिमिट लगा के बाद में इंटीग्रेट कर लो, वो आपकी डिपेंड करेगा समझ पे, कि आपको ऐसा लग रहा है कि पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं उसके बाद लिमिट लगाते हैं, उसके बाद अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, मान लो इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी fx dx, ऐसा कि फंक्शन आप जो कंप्लीटली इंटरवल में आप जो इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे, तो आप उसको पार्ट्स में ले जा सकते हो, ए से सी मान लो कोई एक पॉइंट होगा जहां पे आप बोलोगे प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी से बी, दो पार्ट्स में चले जाओ, जैसे अभी हमने sin x कर दिया था, कैसे जैसे हमने अभी sin x कर दिया था, ये अगर पाई है, ये 2 पाई है, और ये आपका 0 है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने 0 टू पाई में किया, मैंने किसमें किया, 0 टू पाई में किया, फिर पाई से 2 पाई में किया, ऐसे ही है यहाँ पे, पहले ये सी क्या है, कोई एक पॉइंट है जो बीच में आपका आ जाए, ठीक है, तो ए से सी फिर सी से बी, ऐसा हो सकता है कि डायरेक्ट आप ए से बी इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हो, एरिया फाइंड नहीं कर पा रहे हो, तो आप पहले बीच में कोई पॉइंट है वहां रुक जाओ, वहां से वहां जाओ, वहां से वहां जाओ, मैं अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था, समझ में आना चाहिए। वैसे आप देखना चाहो क्योंकि फंक्शन का ग्राफ है आपका, तो ये आपका ए, ये आपका सी और ये आपका बी, ठीक है, ए से सी निकाला फिर सी से बी निकाला, ऐसा डायग्राम बना सकते हो इसके। नेक्स्ट, जैसे जैसे मैं आपको बोलूं कि एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3 ग्रेटेस्ट इंटीग्रल ऑफ डीएक्स, ऐसा इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3 greatest interval of x into dx. लेकिन आप 1 से 3 सीधे नहीं कर सकते, ये वाला प्रॉपर्टी तुम्हारा लगेगा, समझ, या उस तरीके से समझ लो, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू 2
अब 1 टू 2 में ग्रेटर सीजर आपका क्या होगा, 1 तो 1 इनटू dx प्लस ग्रेटर सीजर ऑफ 2 टू 3, 2 टू 3 में ग्रेटर सीजर बच्चा क्या होगा, 2 इनटू dx, तो यहां पर क्या आएगा, x आएगा यहां से और क्या आएगा, ठीक है, x वाला भी लगा दो 1 टू 2 और 2x वाला भी लगा दो 2 टू 3, तो तुम अब कर लोगे पहले वाले का करो अपर लिमिट मान लो लिमिट तो 2 माइनस 1 प्लस दूसरे वाले का क्या आएगा 6 माइनस 2, अब तुम कैलकुलेट कर ले जो भी आंसर है। कुछ चीजें आपको याद करनी है, ठीक है, कुछ चीजें आपको याद करनी है ना, तो बिल्कुल आपको रटा ऊंची वैल्यू जो भी यहाँ पर बताएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ जैसे प्रॉपर्टी समझ लो आप चाहे कुछ भी समझ लो ये यूज होगा ही होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2 sin x dx आपका जो है 1 होता है, अभी हमने निकाला था 0 टू पाई में कितना आ रहा था 2 आ रहा था, जैसे अगर हम ग्राफ जैसे हमने भी निकाला था ये अगर मान लो 0 टू पाई ये पूरा ऐसे तो यहां पर ये वाला जो पोर्शन है ये क्या आ रहा है 1 आ रहा, और आगे का भी पोर्शन क्या 1 है, तभी तो 2 हुआ, 0 टू पाई बाय 2 में 1 आया, पाई टू पाई में बना है तभी तो 2 है, 0 टू पाई में भी निकाला था हमने साइन से क्या है 2 है, ठीक ऐसे ही सेम 0 टू पाई बाय 2 ये जो है इसमें आगे लिख दो एक तो ही होगा 0 टू पाई बाय 2 cos x dx जो बात साइन के लिए है वही cos के लिए, दूसरा आपका 0 टू पाई बाय 2 sin स्क्वायर x sin x का 1 होता है cos x का 1 होता है, और sin square x dx is just integration of 0 to pi by 2 cos square x खुद निकाले ना sin square x का तो निकालना आता ही है, कैसे निकालोगे 1 minus cos of 2x divided by 2 cos square x को 1 plus cos of 2x divided by 2, ठीक है, इसका आपको क्या आता है pi by 4, क्या आता है इसका आपको pi by 4, क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज कर लेंगे ऐसे जब भी कंडीशन बनेगा क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज कर लेंगे। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2 sin क्यूब x dx, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2 cos क्यूब x dx आपका क्या होगा 2 बाय 3, ये क्या है आपका 2 बाय 3 है। नेक्स्ट आपका 0 टू पाई बाय 2 sin रिश्ट पावर 4 x dx, 0 टू पाई बाय 2 cos रिश्ट पावर 4 x dx अब पी इक्वल होगा 3 पाई बाय 16, कितना 3 पाई बाय 16, नोट करो फटाफट से ये निकाल लेना। वैसे तो तुमने sin रिश्ट पावर 4 x का भी इंटीग्रेशन किया हुआ है इनडेफिनेट में, sin क्यूब x का भी किया हुआ है, sin स्क्वायर x का भी किया हुआ है, जिसको दिक्कत हो भाई एक बार कैलकुलेट करके देख लेना, अगर तुम्हें कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। शान समझ में आ रहा है? हाँ सर। नेक्स्ट लिखो लिखे इंटीग्रेशन ऑफ 3 to 8 साइन ऑफ रूट एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स प्लस वन dx sin of the input है, ठीक है, कैसे करेंगे root of x plus 1 को आप क्या मान लो p मान लो, तो आपके क्या है d2 1 upon 2 root of x plus 1
इक्वल्स टू dx इक्वल्स टू dt रखेंगे, इसको लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, लोअर लिमिट अगर x 3 है तो t आपके क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और अगर x आपका 8 है 8 प्लस 1 इक्वल्स 9 9 का रूट क्या हो जाएगा 3, ठीक है sin ऑफ 3 का हो जाएगा 2 और रूट ऑफ x प्लस 1 आपके क्या हो जाएगा sin t, ठीक है और ये हो जाएगा आपका 8 t, क्लियर है। तो आपका क्या बन जाएगा 2 और आपका बनेगा माइनस cos t, ऐसा तो 2 2 3 कर लो तो वैल्यू रख ना कर लो, मैं रख देता हूं भाई अपर लिमिट कर लेंगे, लिख लोगे ये वाला वैल्यू आके लेंगे। हां सर हां सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 0 टू पाई बाय 4 0 टू पाई बाय 4 cos ऑफ 2x cos ऑफ 2x रूट ऑफ 4 माइनस sin ऑफ 2x dx, ध्यान रखना हमेशा ये जो लिमिट है ना ये इसका लिमिट है जो d के पीछे लिखा हुआ, मैं बार बार कह रहा हूं किसका लिमिट था, t का लिमिट था पहले, किसका लिमिट था x का लिमिट था, समझ में आ रहा है ना क्या कह रहा हूं, ये ध्यान रखना d के जस्ट से d से चिपका हुआ है उसी का लिमिट है। फिर काम करो आप यहां पर लेट 4 माइनस sin 2x को आप क्या मान लो t मान लो तो क्या बन जाएगा माइनस cos ऑफ 2x और 2x का बढ़ेगा हो जाएगा 2 dx इक्वल्स टू dt, अगर 0 रखेंगे यहां पे तो 0 आएगा t क्या बन जाएगा 4, इंटीग्रेशन कैसे बनेगा आपका 4, और अगर पाई बाय 4 रखेंगे पाई बाय 4 तो पाई बाय 4 अगर यहां पे रखोगे तो बनेगा पाई बाय 2 तो पाई बाय 2 बनेगा पाई sin पाई बाय 1 होगा तो 4 माइनस 1 मतलब 3 है, ठीक है। लिमिट जो लेट करोगे आप ओरिजिनल उसमें आपको बेटा लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगा, ठीक है। तो ये बनेगा आपका cos 2x dx माइनस 1/2, ठीक है ये कह रहे हैं माइनस 1/2, ये क्या बन जाएगा आपका ये रूट ऑफ टी dt, ये बन जाएगा आपका माइनस 1/2 और टी रेस्ट पावर हाफ पे क्या हो जाएगा टी रेस्ट पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 और लिमिट आपका लगेगा 4 टू 3, ठीक कर लोगे लिमिट रख ले टी का वैल्यू पुट करने के बाद ना ये तो पहले लिमिट पुट कर लो, नेक्स्ट इसी में रखना है टी का वैल्यू मार में लो प्लॉट पड़ाएगा रूट थ्री जैसा। नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 0 टू 1 साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, आप क्या करो लेट साइन इनवर्स एक्स को टी मान लो 1 upon root of 1 minus x square dx is equal to dt ऐसा, तो sin integration of अब 0 रखा है यहाँ पे तो 0 बन जाएगा और 1 रखा तो pi by 2 बन जाएगा, ठीक है sin dx upon ऐसा तो क्या बन जाएगा t into dt ऐसा, इसका आ जाएगा आपका t square by 2 आपका 0 to pi by 2 ऐसा, ठीक है। अपर लिमिट पाई बाय 2 का होल स्क्वायर और ये आपका 1/2 तो साइड में चली रहा है, माइनस लोअर लिमिट का तो कोई फायदा ही नहीं, तो बन जाएगा आपका पाई स्क्वायर ही है, तो जो 0 रखो तो फायदा ही है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन लो
समझ में आ रहा है? यस सर। प्रॉपर्टीज पर भी बात आएंगे क्योंकि ऐसे चल रहा है। नेक्स्ट अप इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा टू बीटा डीएक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स माइनस अल्फा इनटू बीटा माइनस एक्स। ये क्वेश्चन तुम खुद से करो बस। बताया था उस दिन, कैसे बताया था भाई, कैसे बताया था भाई, उस दिन बताया था। एक मेथड ये क्या, एक्स माइनस अल्फा को टी स्क्वायर रख लो, एक्स माइनस अल्फा को क्या रख लो, टी स्क्वायर रख लो। उस दिन कराया था, याद है विश्व ने पूछा था। और एक ये भी बताया था, एक्स अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। ये भी कर सकते हो, कोई भी मेथड लगा सकते हो, खुद कर लेंगे। नेक्स्ट, अरे खुद कर लेना, लिमिट ही तो चेंज करना है। अल्फा रखोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। बीटा रखोगे यहाँ पे तो मतलब बीटा माइनस अल्फा आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, 0 to 1 by 2 dx upon 1 minus 2 x square into root of 1 minus x square। इसको ट्राई करिए आप, वो तो मैंने बताई थी, वो तो कर ही लोगे बाद में, लेकिन तुमने इसको ट्राई करो। देखो, 0 to 1 by 2 dx upon x square, यहां से बाहर निकाला, हमने कहा x square minus 2 minus 2, x square यहां से बाहर निकाला तो x बनेगा और रूट के अंदर तुम्हारा बनेगा x square minus 2 और आपका क्या minus 1। ठीक है, तो फाइनली बन जाएगा आपका 0 to 1 by 2 dx upon x cube into x to power minus 2 minus minus 2 root of x to power minus 2 minus 1। ठीक है, कुछ ले लो आप इसको, इस पर यूज कर। मान लेते हैं कुछ भाई, तो लेट x to power minus 2 minus 1 इसको छुट्टी इसको मान लो कि रूट के अंदर बाहर आ जाए तो बन जाएगा माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एस।
dx is equal to 2t dt. 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस dx अपॉन x क्यूब, और ये आपका बन जाएगा t dt. वैल्यू रखो, जीरो रखो तो क्या आ जाएगा, और 1 by 2 रखोगे तो देख लेते हैं कि 1 minus x square divided by x square यही तो मतलब है. तो क्या रखना है बेटा, 1 by 2 रखना है. 1 minus 1 by 4 divided by क्या, 1 by 2 ऐसा. तो ये हो जाएगा आपका 3 by 4 divided by 1 by 3 हो जाएगा. तो तुम्हारा हो जाएगा infinite to 3 3, लेकिन आपको आएगा रूट 3, क्योंकि इसके आपको रूट 3 आएगा, रूट 3 हो जाएगा. और तुम्हारा क्या बन जाएगा, dx upon x cube तो t dt divided by नीचे आपका x square minus 2 minus 2 में इधर भी एक minus लगा तो बन जाएगा t square minus 1 और into ये आपका क्या बन जाएगा t, t से t आपका cancel out हो जाएगा. तो ये क्या बन गया आपका dt upon t square minus 1, यानी कि 1 upon x square minus a square, ये आपके क्या होता है 1 upon 2a ln of t minus 1 upon t plus 1. ठीक है, ऐसा इसका पूरे का लिमिट जो है, पूरे का जो लिमिट है वो है इनफाइनाइट टू रूट 3. ठीक है, अब जब आप इनफाइनाइट पुट करोगे, जब आप इनफाइनाइट पुट करोगे यहां पे तो लीनियर अपॉन लीनियर मैं लिखता हूं ऊपर लिमिट माइनस टू रूट 3. देखो 1 by 2 ln of क्या होने का root 3 minus 1 divided by root 3 plus 1 ऐसा, और minus 1 by 2 ln of. अगर infinity के लिए आप देखो linear by linear बन रहा है, highest power का function देखिए ना, ऐसे वहां से बनाया है, समझ में आ रहा है. शान समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर. चलो कितने क्वेश्चन हुए? 7 ठीक है हुए. 7 हैं? 7 जितने हुए सर? 7-8 टोटल काउंट करके बता स्टार्टिंग से. चलो अभी काम करते हैं, क्लास बंद कर देते हैं भाई, पूरा करा देंगे, काफी बच्चे नहीं है क्लास में, दिक्कत हो जाएगी. ठीक, अगर नहीं आएंगे और फीस नहीं पे करेंगे तो फिर कल भी तो वही पढ़ा देंगे, क्या दिक्कत है, फिर तो पढ़ाना ही. चलो इतना ही रखते हैं आज के लिए, इसको कर लेना, बाई पार्ट्स होगा वैसे, मैं आगे कल करा दूंगा. ठीक है, ओके बाय, जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण.